दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पर मेरे थंबनेल को देखकर आए हो, आपने क्लिक कर दिया है, तो दोस्तों आज आपको निराश नहीं करूंगा मैं। आज मैं आपको मिस्टर जर्विश जैसा थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको यूट्यूब पर इनका पेज दिखा देता हूँ, जो इनको नहीं जानता है तो जान लीजिए यार, काफ़ी अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाते हैं और इनके काफ़ी कम वीडियोज़ में, मतलब इन्होंने काफ़ी कम वीडियोज़ अपलोड किए हैं और इनके सब्सक्राइबर आप देख कर हैरान हो जाओगे। तो देख सकते तो ये इनका पेज है, चलिए मैं ओपन करके बता देता हूँ। तो देख सकते हो यार, यहाँ पर काफ़ी कम वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो मोबाइल स्क्रीन पर। और दोस्तों इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 1,00,000 से ज़्यादा हैं, जो है देख सकते हो दोस्तों। इनके मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियोस बताता हूँ, तो इनके काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हुए हैं यार, लाखों में व्यूज़ हैं, आप देख सकते हो इनके थंबनेल्स की वजह से, जो कि काफ़ी क्रिएटिव थंबनेल्स ये बनाते हैं अपने फ़ोन से। तो आप भी ये इस तरीके से थंबनेल बना सकते हो। आपको वीडियो को जो है एंड तक वॉच करना है, और चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको इनका थंबनेल बताता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, ये अपने थंबनेल्स में यूनिक टाइप्स की जो है थीम्स फ़ोटो जो है यूनिक एक फोटोज़ को यूज़ करते हैं, जिन्हें लोग देखकर जो है इन पर क्लिक करते हैं, इनका क्लिक थ्रू रेट जो है इनका हाई हो जाता है इन्हीं थंबनेल्स की वजह से। तो दोस्तों आज मैं आपको इन्हीं को बनाना सिखाऊंगा, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, जो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यू टेक्निकल चैनल के अंदर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स यार, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों इसमें आपको जो है काफ़ी आसानी से आप थंबनेल्स को क्रिएट कर पाओगे। तो दोस्तों आप थंबनेल तो बना लोगे, पर उनके जो यूनिक टाइप की वो फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं उनको कहाँ से डाउनलोड करना है, चलिए मैं बताता हूँ। और ये आपको क्रोम पर तो मिलने वाली नहीं है, तो दोस्तों आपको जो है अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऐप को ओपन कर लिया, देन आपको दोस्तों सर्च बार में जाना होगा, या फिर आप, मैं वीडियो में एक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक ग्रुप की एक पेज है इंस्टाग्राम, आप दोस्तों उसको जो है फॉलो कर लेना, तो आप देख सकते हो। और आप यूज़र नेम भी यहाँ से देख सकते हो इस पेज का। तो देख सकते हो दोस्तों, ये काफ़ी यूनिक तरीके की जो है फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं, जिन्हें आपको डाउनलोड कर लेना होगा अपने गैलरी के अंदर। अगर दोस्तों आपको डाउनलोड करते नहीं बनता है, तो मैंने एक वीडियो की लिंक दी है, आप उसको देखकर इन फ़ोटोज़ को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इनमें से जो है जो फ़ोटोज़ आपको पसंद आए, आपको उनको डाउनलोड कर लेना होगा। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यूनिक फ़ोटोज़ हैं, तो आपको इनको डाउनलोड कर लेना होगा अपनी गैलरी के अंदर। सो गाइस यार, आप लोगों ने जो है फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर लिया होगा अपनी गैलरी में, जिस तरीके से मैंने कर लिया है। अब दोस्तों सेकंड स्टेप में आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सआर्ट जो है सर्च करोगे, तो फर्स्ट नंबर पर ये एप्लीकेशन आ जाएगी, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन की लिंक दे दूँगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा, देन आपको नीचे की तरफ प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा, जो कि नीचे की तरफ, देन आपको एडिट ऑफ फोटो पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको उन्हीं फ़ोटो को जो है एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना होगा, जो आपने इंस्टाग्राम से डाउनलोड करी है, जो थीम्स की फ़ोटो है उनमें से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको दोस्तों आप करना क्या है, नीचे की ओर आपको काफ़ी सारे जो है आइकन शो हो रहे होंगे, काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो दोस्तों आपको स्लाइड करना है बगल की ओर, देन आपको कटआउट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा इस वाले। देन आपको दोस्तों यहाँ पर पर्सन पर सिलेक्ट करना है, जो आपको नेट चालू होना चाहिए, देन आपको सिलेक्ट वाले में जाना है, पर्सन पर सिलेक्ट करना है। दैन आप देख सकते हो ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों आपको इस हैंड पर से जो रेड इरेज कर देना होगा, इरेज वाले आइकन में जाकर। दोस्तों यहाँ पर मैं देख सकते हो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो आपको इसी तरीके से जो है कर देना है। देन ओनली आपको इस फ़ोन को सिलेक्ट कर लेना है, सब कुछ आपको इरेज कर देना है, जो जिस पर भी रेड हो गया है। देन आपको इतना करने के बाद ऊपर की ओर जो है राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, सही वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। वो फ्रेंड्स यार, मैं इतने पार्ट को कर दे रहा हूँ स्किप, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देख सकते हो यहाँ पर मैंने कर दिया है पूरा का पूरा इरेज, और इसका बना लिया मैंने PNG। अब आपको ऊपर की ओर डाउनलोड वाले इस बटन पर टैप कर देना होगा। आप देख सकते हो मैंने उतना परफेक्ट नहीं किया है, आप लोग परफेक्ट कर लेना। देन आपको डाउनलोड वाले क्लिक पर सेव एस PNG पर सेलेक्ट करके सेव कर लेना होगा अपनी गैलरी में। अब ये फ़ोटो आपकी गैलरी में आ चुकी है,
तो दोस्तों अब आपको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है पिक्सल लैब, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। चलिए मैं आपको प्ले स्टोर पर ले जाकर इसको सर्च करके बता देता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर पर आ चुका हूँ यार, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा पिक्सल लैब। तो मैंने सर्च कर दिया और देख सकते हो ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना होगा प्ले स्टोर से। काफ़ी सारे लोगों को पहले से पता है, आप इसका आइकन देख लो बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने कर लिया इसको जो अपने फ़ोन में इंस्टॉल। अब आपको इसे ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो दोस्तों आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ, इमेज साइज पर जाता हूँ, कस्टम में जाके यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसका साइज जी जो है यूट्यूब के थंबनेल में जो है कन्वर्ट हो गया। देन आपको डिलीट वाले ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को रिमूव कर देना होगा। अब आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आपको गैलरी वाले आइकन पर टैप करके दिखाता हूँ, देन आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने इस पेज पर। अब थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको गैलरी वाला ऑप्शन शो होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके की इमेज को सिलेक्ट किया जो कि आपको क्रोम पर मिल जाएंगी। आपको लिखना है ग्रेडेंट ब्लर बैकग्राउंड, तो आपको ये इमेज मिल जाएंगी। आपको डाउनलोड करके इसको अपने इसमें ओपन कर लेना है, देन आपको एडजस्ट करके इस पर ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कर देना होगा। लॉक वाला आइकन दिखाई देगा, लॉक वाले आइकन पर टैप कर देना होगा जिससे कि ये एक जगह हो जाएगा फिट। अब दोस्तों आपको ऊपर की ओर फिर से प्लस वाले आइकन पर जाकर फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट कर लेना होगा और जो PNG आपने पिक्सआर्ट में जो है बनाए थे आपको उनको ऐड कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक PNG ऐड कर लिया। अब दोस्तों इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दे रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो आपको कुछ यूनिक ट्राई करना है, आपको कुछ अलग दिमाग चलाना है। मैं अभी आपको फ़िलहाल जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ और आपको थोड़ा अच्छे से जो है PNG क्रिएट करना है। अभी देख सकते हो थोड़ा गड़बड़ है, देन अब मैंने ऐसे ही सेकंड PNG ऐड कर लिया। अब मैं इसको भी एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ऐसे यार आपको भी दोनों PNG को ऐड कर लेना है, दो या तीन आप जितने भी लगाना चाहो आपको इस तरीके से जो है इनको ऐड कर लेना है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, किसी भी PNG को सिलेक्ट करना है, बीच वाले आइकन में आना है। तो देख सकते हो मैंने ये PNG सिलेक्ट किया, थोड़ा इनको एडजस्ट कर दे रहा हूँ मैं। अब मैं PNG सेलेक्ट करता हूँ, बीच वाले आइकन में आता हूँ। अब दोस्तों मैं थोड़ा जो है आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। अब आपको इसमें शैडो वाला ऑप्शन फाइंड कर लेना होगा। चलिए यार यहाँ पर मैं शैडो वाले ऑप्शन को फाइंड कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिल चुका है। आप देख सकते हो आपको इस पर क्लिक करके अनेबल कर देना होगा। अब दोस्तों आपको कुछ भी छेड़खानी जो है कलर्स में नहीं करनी। अब आपको ब्लर को थोड़ा 21 पर सेट कर देना है, देन आपको ऑफिस्ट एक्स वाले आइकन को जो है थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ कर देना होगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, आप देख सकते हो आपको जो है इतना सबको कर देना होगा इंक्रीज़। दोस्तों ये सब आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगने लगा है। ऐसे ही आपको सेकंड PNG में भी कर देना होगा। चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको इनको थोड़ा और एडजस्ट कर लेना होगा और दोनों को लॉक कर देना होगा जिस तरीके से अपन ने पहले बैकग्राउंड को किया था। देन आपको प्लस में जाके टेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट पर डबल टैप करना होगा जिससे कि आप इसे एडिट कर पाओगे। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, यहाँ पर मान के चलिए मैं लिख दे रहा हूँ टॉप 5, तो यहाँ पर मैंने टॉप 5 लिख दिया है। अब दोस्तों आपको जो है फर्स्ट सेकेंड नंबर के ऑप्शन पर आना है, फॉन्ट वाले ऑप्शन को फाइंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने फॉन्ट वाले आइकन को फाइंड कर लिया। अब मैंने यहाँ पर एक माई फॉन्ट वाला ऑप्शन पर गया, यहाँ पर मैं एक फॉन्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर ले सकते हो, जो है फॉन्ट्स वाला एक आइकन दिखाई देगा, आप उस पर जाकर कोई भी फॉन्ट जो है अच्छी सी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो नॉर्मल फॉन्ट भी चल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर मैं जो है सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फॉन्ट को। दोस्तों आप अच्छे से अच्छे बनाने का ट्राई करना, अभी मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आपको पता भी चल जाए किस तरीके से इसको बनाना है। देन आपको फिर से शैडो वाले ऑप्शन को फाइंड करना जो कि सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा, इसको आपको अनेबल करना है। यहाँ पर आपको कलर जो है टेक्स्ट के कलर के हिसाब से, जैसे वाइट है तो मैं यहाँ पर वाइट करके इसको एडजस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं सेकंड टेक्स्ट ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी एंड्रॉयड फॉन्ट थीम कुछ भी लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना जो भी आपको लिखना है। अब दोस्तों इसको मुझे थोड़ा यूनिक दिखाना है तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट का। तो आपको सेकंड नंबर के ऑप्शन में जाना है जो ए लिखा हुआ है, और दोस्तों आपको यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन फाइंड करना है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने रेड कर दिया है। अब आपको शैडो वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर से शैडो वाले ऑप्शन में जाना है, देन आपको यहाँ पर भी रेड सेलेक्ट कर देना है और थोड़ा इसको
एडजस्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको रख दे रहा हूँ थोड़ा छोटा करके। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर थंबनेल जो है कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना है तो आप कर सकते हो। अब दोस्तों आपको इसको सेव कैसे करना है तो ये भी आपको पता चलेगा, वीडियो को जो है एंड तक वॉच करते रहिए। सेव वाले ऊपर बटन पर क्लिक करना, सेव एज इमेज, देन कस्टम पर जाना, यहाँ पर अल्ट्रा सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी कर देना और आपकी इमेज सेव हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।